हे ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल सर साइल 08। आज का ये वीडियो है, इट्स अबाउट अ स्किन केयर। और ये सिंपल एक मैं आपको फेस पैक बताने वाली हूँ। मतलब बहुत टाइम ऐसे होता है कि नाइट क्रीम लगाने के लिए हम लोग भूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, या दिन भर मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए याद नहीं रहता। और ऐसे बहुत छोटे छोटे रीज़न से हम लोग अपना स्किन का केयर नहीं करते। लेकिन आज मैं सिंपल आपको एक ये रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से यू कैन गेट अ ग्लोइंग स्किन। तो दो ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसके लिए आपको लगने वाले हैं। वन इज़ पपाया। फ्रूट्स तो हम सब खाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ऊपर का छिलका वगैरह रहता है वो फेंक देते हैं, बट दैट इज़ वेरी यू नो बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन। तो जस्ट पपाया एंड हनी, इसके साथ आप एक इफेक्टिव फेस मास्क बना सकते हैं। पपाया हम सब लेडीज़ को पता है, ये बहुत बदनाम है कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इतना ही रीज़न पता है कि गर्म पड़ता है इसके लिए नहीं खाना चाहिए। बट एक्चुअली रीज़न कि पपाया में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब जो प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब सेल्स बेसिकली ब्रेक डाउन होता है इसकी वजह से। दिस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज वेरी गुड फॉर आवर आउटर स्किन। तो ये एंजाइम अपने स्किन पे काम करता है, और ये पूरा जो ऊपर का लेयर रहता है डेड स्किन का, वो निकालने में हेल्प करता है। एंड हनी इज एंटीबैक्टीरियल। तो हनी क्या करता है, क्लिंजिंग का काम करता है आपके स्किन के ऊपर। तो जो भी आपके मतलब मुहासे है या तो फिर एक्ने है, तो वो क्लिंज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है हनी की वजह से। सो लेट्स सी दिस फेस मास्क। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पपाया का ये ऊपर का सर का जो हम लोग निकाल के फेंक देते हैं वो वाला हिस्सा लिया है। आप ये वाला हिस्सा क्यों प्रेफर करना है कि जो कच्चा पपाया रहता है उसमें वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आप प्रेफर कीजिए कि ये जो नीचे, अगर आप देखेंगे, ये मैंने एक पीस भी लिया है, वो आप देखेंगे वो पक गया था। तो इससे ज़्यादा ये जो कच्चा वाला जो है पपाया, उसमें प्रोटीलाइटिक एंजाइम ज़्यादा होते हैं। तो आप प्रेफर कीजिए कि ये लेना है। और मैंने थोड़ा सा हनी लिया है। हनी भी आपको एकदम कम ही लेना है, क्योंकि हनी भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आपके स्किन को कितना सूट होता है इसके हिसाब से आप हाफ टेबल स्पून वगैरह ले सकते हैं। एंड इफ़ योर स्किन इज़ सेंसिटिव, यू कैन ऐड अ नेचुरल एलोवेरा जेल इन दिस, तो वो थोड़ा सूदनिंग का इफेक्ट देगा आपको। सो ये आपको क्या करना है, जस्ट मैं ये निकाल रही हूँ पपाया का पूरा फ्लैश जो है। ये देखिए, मैंने ये अच्छे से अभी स्मैश करके लिया है पूरा। आप हाथ से भी स्मैश कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करते वक्त हम लोग हाथ से ही लगाने वाले हैं। सो यू कैन यूज़ योर हैंड्स ऑल्सो। और ये देखिए, ये हनी, ये इतना सा हनी भी ना, हाफ टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें हनी डालिए एंड गिव अ नाइस स्टर। आई विल मिक्स विद द हैंड, उसको अच्छे से स्मैश करूँगी। देखिए पूरा पेस्ट बन गया वो भी। एंड द बोनस स्टेप हियर, यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ राइस फ्लावर। राइस फ्लावर विल वर्क एज अ स्क्रबर फॉर यू। ओके, सो इतना सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत आपको स्क्रैचिंग इफेक्ट देगा। हार्डली पिंच, और इसमें आपको मिक्स कर देना है अच्छे से। सो जब भी आप अप्लाई करेंगे ये फेस पैक, तो आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं और ये पोर्स अपने होते हैं, वो खोलने के लिए ये राइस फ्लावर हेल्प करेगा। ये देखिए पूरा वो स्मैश आपको करना है। And now it's ready for the application. So ये देखिए, ये application करने से पहले मैंने अच्छे से मुंह धो लिया है, और अभी मैं ये apply करने वाली हूँ। और आपको यहाँ पे rotation में apply करना है, और वो rice flour की वजह से इसको अच्छे से scrubber जैसा effect आता है। और ये portion में आपको circular motion में ऊपर तक लेके जाने हैं। और हमेशा कोई भी पैक आप लगाए तो एक बात याद रखना है कि आपके नेक को अभी कभी नहीं भूलना है, और ईयर्स को। हमेशा क्या होता है, हम लोग फेस पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये पोर्शन फिर डार्कनिंग हो जाता है उसका। सो हमेशा जो भी आप फेस पैक, नेचुरल है या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो
आपके चिन में, आपके नेक में, आपके ईयर्स के यहाँ पे, वहाँ पे भी आप अप्लाई कीजिए। और सर्कुलर मोशन की वजह से क्या होता है कि अपना जो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नेचुरली बढ़ना स्टार्ट होता है। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा जो निकलता है प्लांट से, वो आप जेल इसमें डाल सकते हैं तो थोड़ा आपको ठंडक मिलता है आपकी स्किन को। एंड डोंट फॉरगेट योर नोज़, ये जो राइस फ्लावर का स्क्रबिंग का इफेक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोज़। जो ब्लैक हेड्स है वो निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये राइस फ्लावर। आपको ये ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हल्के हाथ से अच्छे से मसाज करके अपने स्किन में इसको जाने तक वेट करना है। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स अंटिल दिस गेट ड्राई। ये पूरा जब भी सूखेगा तो आप इसको फिर थोड़ा वार्म वाटर से, या आप ठंडा पानी प्रेफर करते हैं तो ठंडे पानी से इसे वॉश कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स वेट फॉर 15 मिनट्स और फिर मैं आपको वॉश करके बताती हूँ। सो ये देखिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं एंड यू कैन सी दिस शाइन। ये जो पूरा सूख गया है पैक उसका, ये और ये टाइटनेस भी आया है। सो नाउ आई विल वॉश दिस एंड आई विल शो यू। सो सी अभी मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी द फ्रेशनेस। स्किन भी क्लियर हो गया है एंड सॉफ्टनेस भी है। सो अगर आप ये रेमेडी एटलीस्ट ट्वाइस इन मंथ करेंगे, पपई फ्रूट तो हम खाते ही है बीच बीच में लेकिन हम लोग को टाइम नहीं होता है बाकी के क्रीम अप्लाई करने के लिए, बस पपया लेना है, उसमें हनी डालना है और फेस पे लगाना है, वॉश करना है, दैट्स इट। एंड दिस इज अ बोनस टिप नंबर 2। ये जो छिलके जो होते हैं पपया के हम लोग जो निकालते हैं तो उसको आपको क्या करना है, उसको अच्छे से बारीक बारीक पीसेस कर लेते हैं एकदम छोटे छोटे। और कोई भी आपके पास एक छोटा सा, जैसे ये बर्तन मैंने लिया है वैसे आपके पास कोई भी एक डिब्बी है उसमें आप ये भर दीजिए। और ये मैंने एक पपाया का पीस लिया था जो बहुत सॉफ्ट हो गया था जिससे ज़्यादा जूस निकल पाए, और ये मैंने हल्का सा उसका दबा के जस्ट जूस निकाला है। और इसमें क्या करना है आपको, इसको आप पानी डाल के सेट करने के लिए फ्रीज़र में रखिए। एंड ये आइस क्यूब विल बी विद द गुडनेस ऑफ पपाया, इसके अंदर पपाया के जो भी एंजाइम्स है उसके अंदर ही रहेंगे। और आपने फेस पैक जब आप धो लोगे तो उसके ऊपर आप ये जो क्यूब है हल्के से आपके चेहरे के ऊपर घुमा सकते हैं। और ये आप 2-3 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं और रोज़ रात को सोते वक्त ये आइस क्यूब जस्ट आपके फेस के ऊपर आप घुमा सकते हैं। सो अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी सो लाइक माई वीडियो एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फॉर नाउ।